हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आती रहे। तो दोस्तों, आज मैं एक हिंदी मूवी के सॉन्ग को रिएक्ट करने वाला, और मूवी का नाम है भोला और सॉन्ग का नाम है नजर लग जाएगी। आई थिंक ये पहला ही सॉन्ग है भोला का, और जैसे कि हमें पता है इसके अंदर अजय देवगन सर है, तब्बू है और आमला पॉल है, और इसको डायरेक्ट किया है अजय देवगन सर ने, जो कि इनका उनका डायरेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा था जितना हमने टीज़र में देखा था। और म्यूज़िक दिया है रवि बसरूर सर ने, जो कि बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक डायरेक्टर है। और अभी हाल फिलहाल में उनके कब्ज़ा मूवी के जो सॉन्ग आए हैं वो बहुत ही बेहतरीन चल रहे हैं और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगे हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले सॉन्ग देख लेंगे और फिर करेंगे चर्चा। चलो। भैया जी बताओ ना, आप हो कौन? पीछे का लोकेशन देखो यार। था जिसकी तबाही की गवाही अखबार का पन्ना पन्ना देता था। ओके, तो वो स्टोरी बताएगा अपनी जिंदगी। पहली बार दुआसी लगने लगी। ओके, आमला पॉल। ओके, उसी के घर पे पहुंच गए लोग। क्या शानदार वॉइस है यार। ओहो यार, ओके स्वैग, शानदार म्यूजिक यार। ओके, डॉक्टर है। अच्छा, इसीलिए उसके घर पे ले गए थे। ओके, तो ये सॉन्ग के अंदर पूरी स्टोरी दिख जाएगी लगता है हमें, अजय सर की पास्ट स्टोरी क्या है। क्या शॉट था यार। ओके, टायर पंचर कर दिया। ओके, गया भाई गया। शाम हो या हो सवेरा, आंखें देख ले। चुपचाप हूँ पर साथ हूँ, तेरा हाल हूँ हालात हूँ। दिल में चले धड़कन तले, जो हर घड़ी मैं वो बात हूँ। चाहे माने तू या मानना, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी मेरी तुझे। क्या म्यूजिक है यार, बहुत कैची। ओके, छोड़ देगा। अच्छा, फेंक दिया। ओके, ये ट्रेलर का सीन है। हाँ हाँ, ये ट्रेलर का सीन था। अच्छा, तो अगर ये अभिषेक बच्चन है तो ये अटैक करने आया वापस से। ओके, ये वाला सीन भी था टीजर के अंदर, सॉरी। हो
बोला। ओके, तो काफी मतलब पास्ट स्टोरी तो इसमें नजर आई गई है अजय सर की। ऑब्वियसली जो भोला कैरेक्टर है उसका पास्ट का, जो कि हमें कैथी में नहीं नज़र आई थी। कैथी में हमें डायरेक्टली जो सिनारियो चल रहा था उसी वो सिनारियो में मूवी दिखाई गई थी। वो नाइट का सीन कि भाई वो क्या हो रहा था, वो कैसे बचा रहे थे, जो कार्ती सर है वो कैसे बचा रहे थे। और लेकिन इसके अंदर थोड़ा उन्होंने डिफरेंट ये किया है कि इस गाने के अंदर हमें उनकी पास्ट स्टोरी नज़र आ रही है, जो कि ऑब्वियसली उसमें नज़र नहीं आई थी। तो हो सकता है कि यही डिफरेंस हो। और एंड में जो बंदा आता है वो कौन है यार, वो तो देखने लायक होगा मूवी के अंदर। लेकिन हम सॉन्ग की बात करें तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग नज़र आ रहा है। और जावेद अली सर ने सही में कमाल कर दिया। उनकी आवाज़ हमेशा से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रही है, और इसके अंदर वो बहुत ही परफेक्टली मैच भी हो रही है। और रवि बसरूर सर ने बहुत ही अच्छा म्यूज़िक दिया है। और जैसे मैंने कहा था कि अभी कब्जा मूवी जो आ रही है कन्नड़ा मूवी, उसके अंदर उनका जो म्यूज़िक है उन्होंने उतना ही अच्छा ये बरकरार रखा है कि भाई इसके अंदर भी उनका म्यूज़िक उतना ही अच्छा है जितना हमें कन्नड़ा मूवीज़ में नज़र आ रहा है। तो यार ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ है कि भाई रवि बसरूर सर ने यहाँ पे भी उतना ही अच्छा म्यूज़िक दिया है। और जैसे मैंने कहा कि स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग थोड़ा डिफरेंट वर्जन लेके आ रहे हैं कैथी का, और इसके अंदर थोड़ा सा वो यूनिक शायद कैरेक्टर्स ऐड करने वाले और थोड़ा बहुत प्लॉट चेंज करने वाले, तो ये देखने लायक होगा। और सॉन्ग सही में गाइस बहुत अच्छा था। अब मूवी देखनी पड़ेगी कि भाई मूवी के अंदर हमें क्या इंटरेस्टिंग देखने मिलता है। तो आपको ये सॉन्ग कैसा लगा ये जरूर बताना गाइस, और आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए ये भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। और मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।